हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है उसके उससे संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ, उस पर आत्मचिंतन विचार विमर्श करता हूँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं, सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें एक कहीं ना कहीं एक होता है न मोटिवेशन होता है, विपत्ति में भी एक अवसर छिपा होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो उसमें भी एक अवसर छिपा होता है, ठीक है। जब तक आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इंसान का वैल्यू, इंसान का कद जितना बड़ा होता है उसके सामने विपत्तियाँ भी वैसी ही आती हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, उनका निदान उन्हीं चीज़ों में छुपा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सोशल और पॉलिटिकली चलते हैं। परिवार से परेशान पार्टी, ठीक है, प्रदीप सिंह ने लिखा है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये जो प्रदीप सिंह है पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं भाजपा की तरह सोचते हैं, भाजपाई मानसिकता के हैं, बहुत लोग कहते हैं। और कई बार इनके दंश की का शिकार मैं भी हो चुका हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोल दिए हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं इन ये जो लिखे हैं मैं उसी का स्पष्टीकरण करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो मुझे ही बोल देते हैं कि सर आप सपाई हैं तो कांग्रेसी हैं तो भाजपेयी हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। परिवार से परेशान पार्टी, ये जो परिवार से परेशान पार्टी हैं इनका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अपने लक्ष्य विहीन, अपने गलत उद्देश्यों से आज कांग्रेस अपने अस्तित्व से लड़ रही है, उसके बारे में ये चीज़ें हैं कि पहले एक पार्टी जो कांग्रेस क्या हुआ करती थी, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय और जर्जर क्यों हो चुकी है, आखिर कौन लोग हैं, उससे सारी संबंधित आज यहाँ पे जानकारी आपको मिलेंगी। देखिए सबसे पहले लिखा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों दो संघर्षों में उलझी हुई है। दोनों समानांतर स्तर पर चल रहे हैं। पहला संघर्ष कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने का है, दूसरा कांग्रेस की प्रथम परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार का रुतबा कायम रखने या कहिए कि बीटो बनाए रखने का है। दोनों के केंद्र में सोनिया गांधी हैं। बहुत से कांग्रेसी 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में जीत को सोनिया गांधी का चमत्कार मानते हैं। उन्हें उम्मीद है कि फिर चमत्कार होगा, पर सोनिया गांधी का एक ही लक्ष्य है, राहुल गांधी को रीलॉन्च करना। समस्या यह कि रीलॉन्च के लिए न तो नया लेवर है और न ही तेवर। कहावत है, रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। कांग्रेसियों को नेहरू गांधी परिवार के साथ रिश्ता कुछ ऐसा ही हो गया है, पर पिछले कुछ दिनों से बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं। जिस कांग्रेस में परिवार के खिलाफ बोलना कुफ्र समझा जाता था, उसमें परिवार के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं दबी जुबान से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देखिए कांग्रेस का जो पतन है, जो वो इस समय अग्रसर उस रास्ते में चल चुकी है, और जिस वजह से जो उसके प्रशंसक हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं वो भी इनसे गुस्सा हो गए हैं। देखिए जब आप ही के पार्टी का एक छोटा ही हो, ठीक है, छोटे ही पद पे आश्रित हो, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे उन पदों पर भी आप ले जाएँ जैसे आपके भाजपा के लोग करते हैं। एक मध्यम और छोटे बंदे को वो लोग मुख्यमंत्री तक बना देते हैं। जब तक आप अपने यहाँ परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे, क्या आप अपने अध्यक्ष पद के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों नहीं बिराजते हैं? क्यों या तो मम्मी जी बैठेंगी या राहुल जी बैठेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पार्टी के किसी सदस्य पर भरोसा नहीं है। यदि आप अपनी पार्टी के सदस्यों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, कार्यकर्ता के ऊपर नहीं करेंगे, तो वो लोग भी आपके ऊपर नहीं करेंगे। और जिन समस्याओं से आज आप जूझ रहे हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपने पैदा किया है, तो उसके निदान के लिए सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को उस पद के लिए हस्तांतरित करना पड़ेगा जो लोग उसके काबिल हैं। शशि थरूर जैसे नेता आपके पार्टी के बीच में हैं, इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, ऐसे लोगों को आप क्यों कोई पद नहीं देती हैं? क्योंकि उसी पुराने ढर्रे पर आप लोग चल रहे हैं, जब तक आप उसमें बदलाव नहीं करेंगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। संदेश साफ है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की फिर से जिम्मेदारी संभालना है तो संभालें और ठीक से काम करें, नहीं तो दूसरों के लिए रास्ता खाली करें, वही चीज़ है।
वो बंदा किस प्रकार से 3 महीने के लिए जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा देने जा रहे थे, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, तमाम तरह की बातें, नहीं तुम्हें इस्तीफा नहीं देना है, राहुल जी मान जाइए, फिर कैसे कैसे, मतलब तमाम नाटकी प्रबंधन के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। मतलब पूरे देश में बस 3 महीने तक यही चला कि क्या राहुल जी इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ हम दे रहे हैं, बस देने नहीं दे रहे हैं लोग, ये स्थिति थी। संदीप दीक्षित, अभिषेक मनु सिंधवी, मिलिंद देवड़ा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान अफरोज और संजय झा जैसे कई नेता अलग अलग ढंग से नेतृत्व, विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, आर्थिक नीति जैसे मुद्दों पर स्पष्टता, संगठन में फैसले के तरीके, विकेंद्रीकरण, कार्य संस्कृति का मुद्दा उठा रहे हैं। इनमें से कई नेताओं ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी में पुराने नेता बदलाव नहीं होने दे रहे हैं। जो बदलाव की बात करें उनके सामने भी कई स्पष्ट मार्ग नहीं हैं, बस चाहते हैं कि यथास्थिति बदले, जैसे चल रहा वैसे ही चल नहीं चल सकता। इन नेताओं को भी अब यह लगने लगा कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में, लेकिन पहले परिवार में सत्ता के बंटवारे की गुत्थी तो सुलझे। जब तक याद रखिएगा, जो कांग्रेस की जो मैडम है सोनिया गांधी, इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस अगर इसी मानसिकता के साथ अगर आप इस पार्टी को चलाने के लिए सोच रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी पार्टी का हश्र इससे भी भयानक होगा, इससे भी बुरा होगा। क्योंकि जो कच्छावर और मझे हुए नेता हैं दोस्तों, किस तरह इनकी पार्टी से, इनकी मानसिकता से, विचारों से वो अलग हो रहे हैं, वो कहने को तो इनकी पार्टी से ही जुड़े हैं, इनकी पार्टी के MP MLA हैं, पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से किस तरह वो बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना सोनिया जी हैं शीर्ष पे, फटकार लगा देंगे। देखिए, राहुल ने सबको भुला कर कहकर अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या बोलकर लौटें। पुरानी रवियत तो यह है कि कांग्रेस रोए गिड़गिड़ाए कि आइए हुजूर बचाइए, पर यहाँ तो कोई बुला ही नहीं रहा। राहुल गांधी कांग्रेस बचाओ का नारा भी नहीं लग रहा। कल्पना की दुनिया से निकल कर वास्तविकता की दुनिया से परिवार का पहली बार वास्ता पड़ा है। प्रियंका गांधी का खेमा अलग जोर लगाए हुए है, भाई नहीं तो बहन अंदर खाने की खबर। यह भी है कि प्रियंका राज्यसभा में जाना चाहती हैं पर सोनिया भेजना नहीं चाहती हैं। जो भी हो, कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल के बारे में क्या तय किया और फिर राहुल ने उनके तय किए पर क्या तय किया। अब प्रियंका तय नहीं कर पा रही, अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई कि अपने बारे में तय कर सकें। सवाल यह भी है कि उनके बारे में कौन तय करेगा, माँ या भाई। इस पूरे प्रसंग में कहीं कांग्रेस समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई जिक्र नहीं आता। यह हाल ही में देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो सुबह शाम जनतंत्र बचाने की गुहार लगाती है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि पंचमढ़ी जैसे मंथन शिविर होने चाहिए जिसमें विचार हो कि भाजपा से अलग कांग्रेस राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करे। अभी तो यह हाँ परिवार के सदस्यों की भूमिका पर घर में ही मंथन का दौर पूरा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की हालत 2004 से 2013 के बीच भाजपा जैसी हो गई है। 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी भाजपा का केंद्रित नेतृत्व जगह खाली करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यथास्थिति टूटने से कई लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी कई कारण हैं, आपको बता दें। हमारे देश में जब पाकिस्तान समर्थित कुछ कह सकते हैं युद्ध होने की आशंका थी, जिसमें बालाकोट को, पुलवामा, ऐसे तमाम तरह के उस समय राष्ट्रवाद के नाम पे जिस तरह से उछले थे, तो यही कांग्रेस थी। किस प्रकार से उसने संसद के पटल पर एक बात रखी कि खून की दलाली का शब्द कहकर जब उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित किया, और जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें भी उन्होंने साक्ष्य मांगा था कि वो साक्ष्य दिखाएं। क्या ये संभव है? अगर आप किसी भी देश को तोड़ने की बात करते हैं और अनाउंसमेंट पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप एविडेंस मांगेंगे सरकार से। मतलब जिन विषयों पर आपको राजनीति नहीं करना चाहिए था, आपको बस सहयोग देना चाहिए था कि हम भी आपके साथ हैं, आप जो कर रहे हैं हमारे देश के जवान, पर उन्होंने इतनी गंदी राजनीति उस पर की, इतनी अभद्रता दिखा दी कि जिससे कहीं ना कहीं जो देश के युवा थे वो उनसे कट गए। वो समझ गए कि ये बंदा हमारे देश को डुबा देगा, ठीक है। तो आज जो कांग्रेस जिन समस्याओं से जूझ रही है, सबसे पहले तो जो स्पोक्स पर्सन है उन विषयों को देश की जनता के सामने रखें जिन विषयों पर ज़रूरत है,
मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम तरह की विषय हैं, आप इस विषय को ले सकते हैं। कुपोषण हमारे देश में है, ठीक। शिक्षा को लेकर कर सकते हैं, किसानों की आत्महत्या को लेकर कर सकते हैं, इस समय जो फिलहाल हुआ आई है कोरोना वायरस को कर सकते हैं। मेरे को भी खांसी आ गई, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पे आप अपने, ठीक है, देश के सामने ये सारी समस्याएं रख सकते हैं और उन समस्याओं को पूरा करने के लिए जो भाजपा सरकार है, जो इस समय रूलिंग में है, उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। ये सब नहीं करेंगे आप बस ये करेंगे सांप्रदायिकता के आधार पर दो धर्मों को अलग करेंगे, जनभावनाएं लोगों की बिगाड़ेंगे, ठीक। साइन बाग में जो औरतें कई दिनों से धरने पर बैठी थी उनको उकसाएंगे और ऐसा करने को कहेंगे। मैं आपको फिर एक बार कह दूं, हमारे देश में यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, बट इट शुड बी पीसफुली एंड जो इसका इंटेंशन होना चाहिए वो भी समाज के उद्धार के लिए होना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हो रही है, अब मैं शाहीन जैसे बाग जहाँ पे धरना जिन लोगों ने किया था मैं उसकी निंदा करता हूँ। इन्हीं सब कारणों की वजह से हिंदू मुस्लिम मारे गए, अरबों करोड़ों की संपत्तियाँ जल के खाक हुई, तोड़े गए। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें अगर इस तरह का रास्ता अगर ये है ना, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। आज हमारा देश जिन चीज़ों से जूझ रहा है उन पर चर्चा ना करके ये लोग धर्म और जाति को वजह से चर्चा कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा यही कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब अन्य देश हमारे देश के ऊपर हंसेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी वही स्थिति आने वाली है जैसे सीरिया और इराक की है। अपने अपने धर्म को महान बनाने के चक्कर में हम भूल ही गए हैं कि हम भी इंसान हैं, मानवता सबसे सर्वोपरि है। उसके बाद नीचे आते हैं, समस्याएं पैदा करता सोशल मीडिया। याद रखिए, जो सोशल मीडिया है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है जो डिसएडवांटेज है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दिन भर अगर आप इसके माध्यम से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, निकालते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम, एक बंदा है और 10 फेसबुक आईडी बना रखा है, एक बंदा है 10 ट्विटर आईडी बना रखा है, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद इनको गलत कमेंट करेगा, उनके समुदाय को गलत कमेंट करेगा, इससे क्या है एक दूसरे को लड़ाएगा, ठीक है। तो इतनी समस्याएं हो चुकी हैं इस पर, इतने सारे क्राइम हो चुके हैं, ठीक है। जो लड़की फेसबुक पे नहीं है उसका डीपी लगा के उस कोई और यूज़र जो है उसको संचालित कर रहा है, चला रहा है, तमाम लोगों को मैसेज कर रहा है, और उस लड़की का जो प्रेस्टीज है, जो सम्मान है, उसे बदनाम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, सोचिए। तो कुछ दिन पहले, अभी एक दो दिन पहले, जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लग रहा है कि मुझे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसे छोड़ना पड़ेगा, जिसमें आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्मिंग है, तो कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में देखिए जो मीडिया का रुख होना चाहिए, मीडिया पूरी तरह से पैसे कमाने और TRP बढ़ाने के चक्कर में आ गई है, सही चीज़ को कभी नहीं दिखाएगी। यहाँ सोना मिल गया तो यहाँ सोना मिल गया, कोरोना मिल गया, मतलब यही सब है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक किसान को कभी उसने बैठा के अपने स्टूडियो में उसकी समस्याएं पूछी हैं? एक गरीब परिवार जो सड़कों पर भटक रहा, क्या उससे बैठ के उसकी समस्याओं के बारे में पूछा उसने? वो उसी बात को पूछेगी जहाँ उसका फ़ायदा हो, ठीक है। आजकल तो मीडिया वाले न्यूज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक नए ज़माने का सच है। आप सर्जक हों, जैसे लेखक, मीडिया कर्मी, राजनेता या मार्केटिंग के उस्ताद, या फिर सूचना मनोरंजन के ग्राहक उपभोक्ता, दोनों की इसकी अलग अलग वजहों से ज़रूरत है। सर्जक और उपभोक्ता की ज़रूरतों के ये दोनों छोर रोजाना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के मंचों के जरिए अरबों खरबों सूचनाओं और छवियों आदि से लबरेज रहते हैं। इन ज़रूरतों ने हमें सोशल मीडिया में इतना गाफिल कर रखा है कि हमें इनके बिना एक पल का चैन मिलना मुमकिन नहीं लगता। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट के बाद तमाम कयासों के साथ एक सवाल भी उछला कि क्या सोशल मीडिया अफवाहों और नकारात्मक सूचनाओं के प्रचार प्रसार का जरिया बनकर रह गया, शायद
यह इंसान की जन्मजात कमजोरी है कि वह सच पर यकीन जरा देर से करता है, इसके उलट झूठ की उड़ान उसे तुरंत ही रोमांचित करने लगती है। हालांकि जब तक मामला किस्सों गोई किस्म की गपबाजी तक रहता है तब तक ठीक रहता है, वक्त काटने का यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। आखिर सामाजिक जुड़ाव के ये तौर तरीकों से हमारी सोसाइटी को एक हद तक इंसानी बनाते हैं, लेकिन बीते करीब एक सवा दशक में सोशल मीडिया के आ जाने से यह कला तमाम विकृतियों का शिकार हो गई है। फेसबुक और ट्विटर जैसे जितने भी इंतजाम सामाजिक जुड़ाव के नाम पर किए गए आखिर में जाकर वे झूठ को पंख देने के काम आते भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां, झूठ और अफवाहों को विस्तार देने का जो आरोप लगा वह फिजूल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक फायदे उठाने से लेकर उत्पादों के नाम पर सिर्फ सपने बेचने का पूरा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इससे कायम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज सोशल मीडिया देखिए, जहाँ पर भी डर होता है तुरंत वहाँ पर नेट शट डाउन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो यही काम करते हैं कि गलत सूचनाओं को समाज में फैला देना, उसके बाद अराजकता फैल जाए, लोग एक दूसरे से कटे मरें, बवाल हो, इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं हमारे देश में, तो इन लोगों से सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, इसमें जो सीधा सीधा लिखा गया है कि यदि आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उतना ही करिए जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर कोई भी यूज़र हो, अगर आपको बार बार डीमोलाइज करता है, बार बार आपको गलत चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, गलत मैसेज फॉरवर्ड करता है, तो ऐसे लोगों को आप ब्लॉक कर दें। क्योंकि जानते हैं जब ज़िंदगी इतनी कम है, इतनी छोटी है, अगर आपको बंदा कोई हर दो घंटे डेली अगर आपको एक वीडियो एक पोस्ट के माध्यम से अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो वो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।